झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज हम अध्ययन चर्चा में ले रहे हैं कहानी तथा उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इसमें हम आपको उनकी रचनाओं के बारे में, उनके द्वारा संपादित की गई पत्रिकाओं के बारे में और उनके लेखन के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इसके पहले हम नमक का दरोगा कहानी के प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी भारतीय कथा साहित्य के पुरोधा पुरुष माने जाते हैं। पुरोधा पुरुष का तात्पर्य यह हुआ कि जिन्होंने हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में कथा विधा को प्रतिष्ठा दिलाई और उसके लिए सर्वाधिक काम भी किया। 19वीं शताब्दी में कहानी जो है वो 20वीं शताब्दी में कहानी विधा का आरंभ हुआ। उसके पूर्व तक पद्य में ही साहित्य रचा जाता था। गद्य, हिंदी गद्य का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, ये 100-125 साल का ही इतिहास है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हो गई। प्रेमचंद जी ने कहानियां और उपन्यास के साथ साथ नाटक भी लिखा है। उनकी कहानियां, करीब 400 कहानियां उन्होंने लिखी हैं, जिन्हें मानसरोवर के शीर्षक से 8 भागों में कहानियों का संकलन प्रकाशित किया गया है। उन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों के नाम हैं निर्मला, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान और आखिरी उपन्यास है उनका मंगल सूत्र, जो उनकी मृत्यु के कारण अधूरा ही रह गया और अधूरा ही प्रकाशित भी किया गया है। तो ये उनके उपन्यास हैं। उनके साहित्य पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए उनके नायक शुरू में हमको आदर्शवाद की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं। हृदय परिवर्तन उनके चरित्रों का विशेष गुण नजर आता है। एक बुरा चरित्र कहानी में, उपन्यास में सामने आता है, पर बाद में वह एक अच्छे व्यक्ति में बदल जाता है। ये एक आदर्शवाद था। लेकिन इस गांधीवादी आदर्शवाद से जल्दी ही प्रेमचंद जी का मोह टूट गया और उन्होंने यह जान लिया कि लोगों का हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता। उसके अंदर मानवीय गुण होते हैं, उसके अंदर अपना सुधार करने की गुंजाइश रहती है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं। तब उन्होंने यथार्थवाद की ओर अपनी दृष्टि डाली और ऐसी रचनाएं लिखी जो समाज के घोर यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उनकी कफन कहानी, सदगति कहानी, इसी तरह की यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली कहानियां हैं। नमक का दरोगा आदर्शवादी कहानी है, जिसमें एक रिश्वत देकर के व्यवसाय करने वाला अलोपी दीन नाम का पंडित अलोपी दीन नाम के जो व्यापारी हैं, वो सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर के और उसी व्यक्ति को अपनी स्टेट का मैनेजर नियुक्त करने के लिए विवश हो जाते हैं अपने हृदय की या आत्मा की आवाज से, जिसने उनको जेल पहुंचाने का भी काम किया था। ये आदर्शवादी कहानी है। लेकिन यथार्थवादी कहानियां उनकी जो हैं, सदगति और कफन जैसी कहानियां हैं, जहां हम उस चरम यथार्थ को देखते हैं जो हमें कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि क्या ऐसा संभव है, पर समाज में ऐसा ही होता हुआ भी हम पाते हैं।
उन्होंने उनका गोदान उपन्यास बहुत विख्यात हुआ है। गोदान उपन्यास आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर प्रेमचंद के प्रस्थान का एक प्रस्थान बिंदु है, जहां एक गरीब जो किसान है होरी, वह जिंदगी भर संघर्ष करता है, रोजी रोटी उसकी कैसे चले, परिवार कैसे पाले, इसके लिए वो हलाकान होता है, और उसकी एक बड़ी चिर आकांक्षा है कि मरने से पहले एक गाय दान कर सके, और वो ही उसकी कभी पूरी नहीं होती, आखिरी में किसी तरह से वह गोदान करने की कोशिश करता हुआ और इस संसार से विदा हो जाता है। उसका बेटा गोबर, जो किसान का बेटा है, वह खेती से और गुजर बसर नहीं हो सकती, उस पर कर्जे हैं, उससे उतना उत्पादन नहीं होता, उसके बहुत सारे जोखिम हैं, पानी का, बाढ़ का, सूखे का, तो वह वहां से मजदूर बनकर के शहर की तरफ चला जाता है और वहां मजदूरी करता है। किसान के मजदूर हो जाने का जो यथार्थ है, वास्तविकता है, सत्य है, उसका उद्घाटन गोदान जैसे उपन्यास में उन्होंने किया है। मंगलसूत्र अगर पूरा होता तो उसमें हम जो जितना वो लिखा गया है 100-150 पेज, उससे हमको ऐसा लगता है कि इससे भी ज्यादा कठोर यथार्थ घटनाएं उस उपन्यास के माध्यम से सामने आने वाली थी, लिहाजा वो अधूरा रह गया और प्रेमचंद जी भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हिंदी साहित्य के एक जबरदस्त कथाकार रचनाकार के तौर पर प्रतिष्ठा अर्जित करने में सक्षम हुए। उन्होंने कई पत्रिकाओं का, पत्रों का संपादन भी किया, उनमें हंस पत्रिका, जागरण और माधुरी, ये तीन पत्रिकाओं के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं जो उन्होंने संपादित किए। उनकी भाषा बड़ी आम सरल बोलचाल की भाषा है, वह हिंदुस्तानी है, उसमें हिंदी के, उर्दू के, फारसी के ये शब्द आए हुए हैं, और लोग इसीलिए जब आम फहम भाषा में कोई चीज लिखी जाती है तो वह लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करती है, संप्रेषण करती है, उनके पास तक पहुंचती है, और इसीलिए प्रेमचंद जी घर घर में पहचाने जाने वाले कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी सरलतम भाषा, बोलचाल, मुहावरे, कहावतों का प्रयोग और ग्रामीण जो परिदृश्य है उसको उन्होंने अपने साहित्य में उसका चित्रांकन किया है। तो यह था मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, और आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर देते हुए खुशी महसूस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।